हाय फ्रेंड्स, घुमक्कड़ फूड इंडिया जो आपको लेके आ चुका है गुजरात के सोमनाथ में, और यहाँ पर हम लोग ट्राई करने वाले हैं वनेला गाठिया। तो आइए चलते हैं और बनवाते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए भाई, वनेला गाठिया यहाँ पर बनने जा रहा है, और इसके लिए ये क्या चीज है भाई? बेसन का आटा। बेसन का आटा, और उसमें क्या डाला गया है? थोड़ा नमक, अजमा और तेल। तो भाई देखिए, जो बनाने की स्टाइल है वो बड़ी इनकी शानदार है। क्या बात है भाई, कमाल की चीज बन रही है। और गाइस, हम लोग अभी यहाँ मॉर्निंग में पहुंचे हैं सोमनाथ महादेव मंदिर, जो कि अपने हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ये भी ज्योतिर्लिंग है। और ये देखिए, इन्होंने गाठिया यहाँ पर बढ़िया से हाथ से खूब, कि ऑयल क्यों लगाना पड़ रहा है थोड़ी थोड़ी देर में? पॉलिश मिले ना इसलिए। अच्छा, अंदर मस्त मामी। ये पूरा 100 ग्राम बना रहे, ज्यादा है। इसके 100 ग्राम का प्राइस बताइए ना भैया। 40 रुपया। तुम्हारा गठे में वो लोग मिक्स में बनाने में नहीं, मैंने आपको बोला तो दूसरा क्या लिया? 30 रुपये का ढोकड़ा, 40 रुपये का गठिया। भाई ये देखिए, फ्राई हो चुका है फर्स्ट क्लास, और उसके बाद इसको निकाला जा रहा है। मसाला मसाला। इसमें और क्या आएगा? नहीं, फाफड़ा नहीं, वही 200 ग्राम आप करो। इसमें चटनी सांभर। अरे ये क्या बना रहे हो भाई? अच्छा, फाफड़ा बना रहे हो। यहाँ मंदिर का टाइमिंग क्या है भाई, कितने बजे ओपन होता है? सुबह 6 बजे, रात को 10 बजे। तो भाई ये दूसरी जो रेसिपी बन रही है, ये बन रहा है फाफड़ा, यहाँ का फेमस। ये भी बेसन का ही है ना भाई? इसका क्या भाव है फाफड़ा का? ये भी 40 रुपये। ये भी 40 रुपये का 100 ग्राम। तो जो उसका आपने बेस बनाया था उसी का ये भी? उसी का ही है। तो दोनों में फर्क क्या रहता है टेस्ट वाइज? दोनों में एक ही फर्क, कुछ फर्क ही नहीं रहता। अच्छा, सेम रहता है, जिसको वनेला खाना हो उस तरीके से, और जिसको फाफड़ा खाना हो इस तरीके से। आपके शॉप का नाम बताइए। मामा की मौज। मामा की मौज, क्या बात है भाई। आज तो यहाँ पे मोदी जी भी आने वाले हैं सुना? आके चले गए, क्या बात है भाई। और मैंने सुना है वो जब चुनाव आता है गुजरात में हर साल आते हैं। नहीं, कभी कभी बार आते हैं। अच्छा, यहाँ तो कभी आते हैं, वरना गुजरात में कहीं भी आते हैं। अच्छा अच्छा, तो आते हैं तो यही रास्ते से जाते हैं? अच्छा, दूसरे रास्ते से, क्या बात है। आप यहाँ पे कितने साल से भैया? 15-20 साल हो गया। तो मंदिर तो हाल ही बहुत बढ़िया से बनाया गया ना, कितना साल हुआ बनाया? काफी टाइम हो गया। अच्छा,
आप यहाँ के लोकल हो सोमनाथ के? भाई हमारा फाफड़ा भी रेडी हो गया है और देखिए इसको भी निकाला जा रहा है। हम लोग है इस वक्त सोमनाथ में, यानी कि महादेव का वो ज्योतिर्लिंग जो हिंदुस्तान के 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। और यहाँ पर हमने सुबह सुबह जो सबसे पहले यहाँ पर ब्रेकफास्ट के तौर पे देखा ये वड़ेला गाठिया, साथ में आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने केबेज और गाजर वगैरह मिक्स का सलाद दिया है, फ्राई किया मर्चा दिया और ये शायद मेरे हिसाब से चटनी है। आइए एक बाइट लेते हैं। भाई बहुत ही जोरदार है क्योंकि यहाँ पे गुजरात के अंदर मतलब हर जगह गुजरात में अगर सुबह के नाश्ते की बात की जाए तो फाफड़ा वड़ेला गाठिया फेमस है और स्पेशली ये गर्मा गर्म है और इस चटनी के साथ मजा आ गया। इस मात्र 40 रुपए का 100 ग्राम है। अगर आप भी कभी यहाँ आने का प्लान करें और आए ना तो स्पेशली ये जरूर ट्राई कीजिएगा, मजा आ जाएगा। चलिए हम आगे भी आपको सोमनाथ की फूड ट्रिप में घुमाएंगे।